लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। शनिवार को हनुमान जयंती के दिन दिल्ली सहित कई राज्यों में हिंसक झड़प देखने को मिली। उत्तराखंड में भी हनुमान जयंती के दिन उपद्रवियों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। हनुमान जयंती के दिन उत्तराखंड के रुड़की में भी शोभा यात्रा के दौरान पथराव के बाद हिंसा भड़क उठी। भगवानपुर इलाके में हुए बवाल में मंडावट चौकी प्रभारी समेत कुल 10 लोग घायल हुए हैं। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की और 2 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। सूचना मिलते ही भगवानपुर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। इस घटना के बाद पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। करीब 8 बजे शोभा यात्रा जैसे ही डाडा पट्टी के डाडा जलालपुर गांव पहुंची तो एक घर की छत से पथराव शुरू हो गया। इसके बाद दूसरे और तीसरे घर से भी पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस मौके पर चीख पुकार और भगदड़ मच गई। इस शोभा यात्रा के साथ चल रहे मंडावर चौकी प्रभारी आशीष नेगी के अलावा 10 से अधिक व्यक्ति घायल हो गए। गाँव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। इसे देखते हुए सीओ मंगलौर पंकज गेरुला सहित झबरेड़ा और बुग्गावाला थाना से भी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। विवाद की सही वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है। दोनों पक्ष एक दूसरे को घटना के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक योगेंद्र सिंह रावत का कहना है कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जिले के कई थानों की पुलिस फोर्स और PAC गांव में तैनात कर दी गई है। SP देहात प्रमेंद्र डोबाल ने बताया कि शोभा यात्रा पर घरों की छत से पथराव हुआ था। इसमें कई लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल पक्ष के लोगों से कानून हाथ में न लेने की अपील की गई है। वहीं बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तो दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में भी शोभा यात्रा के दौरान उपद्रवियों द्वारा पथराव की घटना सामने आई है। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली की जहांगीरपुरी में 2 समुदाय आमने सामने आ गए थे। इस दौरान भारी हंगामा हुआ, फिर पत्थरबाजी और हथियार भी चले। ये घटना शनिवार शाम 5 बजे से 5:30 के बीच हुई। शोभा यात्रा जहांगीरपुरी के कुशल सिनेमा के पास से गुजर रही थी। उसी समय शोभा यात्रा पर पथराव शुरू हो गया। सड़कों पर काफी दूर से पत्थर फेंके जा रहे थे। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचाया और कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। वहीं कई गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया गया। जब गाड़ियां जलाई गई तब लोग सड़कों पर इधर उधर भागते दिखे। जहांगीरपुरी हिंसा पर दिल्ली और केंद्र सरकार की सियासत शुरू हो गई है। CM केजरीवाल ने लोगों से शांति की अपील की है। भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने इसे आतंकी हरकत बताया है। हालात को लेकर दिल्ली पुलिस के स्पेशल CP दीपेंद्र पाठक का कहना है कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, माहौल शांतिपूर्ण है, हम लोगों के साथ लगातार संपर्क में हैं और शांति बनाए रखने की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि धर्म निरपेक्ष वाले देश में ऐसी मानसिकता वाले लोगों के खिलाफ भारत सरकार कड़े से कड़े कदम क्यों नहीं उठा रही। लगातार धार्मिक स्थलों पर ऐसी घटना बढ़ती जा रही है। हमारा भारत जो विश्व में एकता के लिए जाना जाता है, उस देश में ऐसी घटना होना निंदनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, K24 न्यूज। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।